आप लोग है? मुस्कुरा रहे हैं। अब क्या करें बताओ। अच्छा, कोई एक काम बताइए जो आपको अच्छा लगा। अच्छा कहा राम मंदिर बनवा दिया उन्हें। हाँ। अच्छा करा है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। किसकी सरकार लाना चाहते हैं? सरकार इनकी ना आए, क्या किसी की भी आए, एक किसी पार्टी के सपा की आ जाए, बहन जी की आ जाए, लेकिन इनकी ना, ये सब बेकार आदमी। तो कहते हैं कि राम बीजेपी चाहिए। क्यों? इसमें सुरक्षित खड़े हैं, बढ़िया खड़े हैं, सही है बिल्कुल, बीजेपी सरकार ही ठीक है। हाँ जी, समाजवादी पार्टी से क्या दुश्मनी है? दुश्मनी कोई नहीं है। क्या करते हैं? मैं यही लगाता हूँ, फल लगाता हूँ। कौन सा फल लगा था? अभी तो फिलहाल तो आज बंद है, जो थोड़ा बीमार हो गए थे इस वजह से। अच्छा। तो यहाँ सब कुछ सही चल रहा है, पैसा वैसा की सब कुछ? हाँ सही चल रहा है वो तो। हाँ। अच्छा। आप कब से केला, मतलब जो फल की दुकान है आपकी, कब से लगाए हुए हैं? वो भी 6-7 साल। 6-7 साल हो गए। अच्छा, आपके घर में बस एक ही कमाने वाले हैं? हाँ, केला मैं कमाने वाला। आप कमाते हैं? हाँ। अच्छा, किसकी सरकार आएगी? बीजेपी की आएगी। क्यों? सही कर रहे हैं वो, जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। और क्या अच्छा कर रहे हैं? सभी अच्छा ही कर रहे हैं, जो करा ठीक है ये। वो भी बता रहे थे कि अच्छा कर रहे हैं, जब मैं पूछती हूँ क्या अच्छा कर रहे हैं तो बताते नहीं हैं आप लोग। हैं? मुस्कुरा रहे हैं। अब क्या करें बताओ। अच्छा, कोई एक काम बताइए जो आपको अच्छा लगा। अच्छा कहा राम मंदिर बनवा दिया उन्हें। हाँ। अच्छा करा है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। राम मंदिर से आपको क्या मुनाफा हुआ? मुनाफा और मंदिर तो भगवान तो सभी के होते हैं, मुनाफा क्या हुआ उससे, भगवान से क्या मुनाफा होगा। दर्शन करने गए आप? अगर कभी टाइम मिलेगा तो जाएंगे, अभी नहीं है। क्या नाम है जी? अजी मेरा जगदीश। ये दुकान, ये आपकी ठेला लगी है? हाँ, ये हमारी ठेला बेच रहे हैं। ठेले बेच रहे हैं 40 रुपए दर्जन। 40 रुपए दर्जन? या किसकी सरकार चाहिए? बीजेपी सरकार चाहिए जी। बीजेपी चाहिए? हाँ जी। क्यों? क्यों? इसमें सुरक्षित खड़े हैं, बढ़िया खड़े हैं, सही है बिल्कुल, बीजेपी सरकार ही ठीक है। हाँ जी, समाजवादी पार्टी से क्या दुश्मनी है? नहीं, दुश्मनी कोई नहीं है। हाँ। उससे हमारी क्या दुश्मनी? हाँ। कोई नहीं है तो हमारी काय की दुश्मनी है? हाँ। हमें तो केले बेच रहे। अच्छा, ये कोरोना के टाइम में जो दूसरी लहर आई थी उसमें आप लोगों को राशन वगैरह मिला था? हाँ जी मिला जी। कितना मिलता था? है जी, एक एक आदमी के एक उसमें 3 किलो ना 5 किलो मिलता था एक उस। हाँ जी, महीने के 5? हाँ जी, महीने का 5 किलो, जितने यूनिट थे इतने ही मिलते थे फिर। हाँ जी। कोई एक फेवरेट काम अपना बताइए बीजेपी का। नहीं जी, हमारा ऐसा कोई काम ना पड़ा बीजेपी। आपको बीजेपी का सबसे बढ़िया काम कौन सा लगा? अजी सगले ही बढ़िया है हमें तो। कौन सा एक काम? अजी अब एक काम हम कौन सा बतला हमें? राम मंदिर। हाँ राम मंदिर भी है, वैसे भी बतरे काम है, सही कर रहे हैं उनके उसमें। मेहताब हूँ। और क्या करते हैं? मैं एलुमिनियम का काम करता हूँ। एलुमिनियम का काम। और किसकी सरकार आएगी? सरकार तो जी किसी की भी आ जाओ, काम करना चाहिए सब। फिर भी एक किसी वैसे जी पसंद है? नहीं, किसी की भी आ जाओ, काम होना चाहिए बस। क्या लगता है अभी काम हो रहा है? विकास तो कुछ भी नहीं हो रहा जी, काम मंदा चल रहा है, बिल्कुल मंदा चल रहा है काम, विकास कहाँ हो रहा है। आप क्या करते हैं? एलुमिनियम का काम। एलुमिनियम का दुकान है जी। कैसी पैसा वैसा? पैसे का तो अभी कम चल रहा है जी, किल्लत चल रही है जी। क्या लगता है सर आपको, मतलब कि योगी जी कैसा काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में? योगी जी काम तो देखो ऐसा ही चल रहा है, अभी कोई खास नहीं चल रहा है जी। कोई एक काम भी आपको पसंद नहीं है? नहीं, काम पसंद नहीं आ रहा कोई भी। एक काम तो पसंद आ गई, गुंडागर्दी बंद है। वैसे गुंडागर्दी वाला काम आपको पसंद है? गुंडागर्दी बंद हुई है अब जी। जी, कोई एक काम जो आपको पसंद है? नहीं, और कोई काम पसंद नहीं। किसी एक पार्टी का बताइए ना कि किसकी सरकार आनी चाहिए उत्तर प्रदेश में। किसी की भी आ जाए, काम अच्छे से होना चाहिए बस, मेरा तो मानना ये है। मैं फलों का ठेला लगाता हूँ। कहाँ है आपकी ठेला? यही वाली है क्या? अच्छा, सारा फल वगैरह? नहीं, मैं केले बेचता हूँ। केला कैसे बेच रहे हैं? केले 40-50 चल रहा है। 40-50, क्योंकि 35-36 तो हम ला ही रहे हैं, किराया भाड़ा लग के 40 पड़ता है हमें। ये बताइए, कोरोना में जो लॉकडाउन हुआ था सब कुछ खत्म, एक तरीके से बंद ही था। हाँ बंद। सरकारों की तरफ से कुछ मिला था? नहीं, हमारा तो राशन कार्ड भी काट दिया इन लोगों ने, हमें तो राशन भी नहीं दिया। 6-7 महीने हो गए हमें राशन नहीं मिल रहा है, राशन कार्ड दिया इन लोगों ने, हमें दे नहीं रहे। हमने एक मकान खरीदा था ब्याज लेके कर्जे पे, वो हमारा बैंक ने मकान भी बेच दिया।
हम अब किराए पे रहते हैं, बेघर हैं, लेकिन गवर्नमेंट हमारी कौन सुनेगा, गरीब की कोई सुनता नहीं। अच्छा, ये लोग तो कहते हैं गृह कल्याण योजना भी हमने दी है, किसकी कोई कुछ नहीं देता, किसी कोई सुनता तो है नहीं, कौन कर रहा। हम किराए पे रहते हैं, हम घर रोटी से परेशान हैं। सर, किसकी सरकार लाना चाहते हैं? सरकार इनकी ना आए, क्या किसी की भी आए, एक किसी पार्टी के सपा की आ जाए, बहन जी की आ जाए, लेकिन इनकी ना, ये सब बेकार आदमी। तो कहते हैं कि राम मंदिर उन्होंने बनवाया, 370 मंदिर को खाने को थोड़े दे देगा, मंदिर तो पहले भी बने हुए थे, राम मंदिर से क्या हो रहा है, राम मंदिर तो पहले, मंदिर तो पहले भी है, एक मंदिर और बढ़ गया तो मंदिर से कोई फायदा थोड़ी रहा। रोजगार तो चाहिए, रोजगार तो हो, हम क्या कमा रहे हैं, 3,000-2,500 की दुकानदारी कर रहे हैं, इसमें क्या मिल रहा है, पब्लिक में पैसा नहीं हो जाता होगा सर। हम 300-400 रुपये कमा लेते हैं, बदोज में सब कुछ देखना है हम लोगों को। घर में बस आप ही कमाने के स्रोत हो? मैं अकेला कमाने वाला हूँ घर पर, हाँ, मैं 8 दिन से बीमार हूँ, मेरे रोटी से हम परेशान हैं, लेकिन हमारा राशन कार्ड भी नहीं बना रहे हैं ये लोग। कभी कहते हैं वो आएगा बनवा के लाओ, कभी कहते हैं कहीं जाओ, हम चक्कर काट रहे हैं 6 महीने से, राशन भी नहीं दिया इन लोगों ने हमें। आपके अनुसार योगी जी को नहीं आना? नहीं, योगी जी को नहीं आना।